नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और जहां पूरे देश 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व मना रहा था, वहीं जबलपुर शहर में अवैध शराब तस्कर अपने गलत धंधे को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि गांधी जयंती के दिन पूरे देश में डाइडे यानी शराब प्रतिबंधित दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस दिन भी शराब तस्करों ने शराब के शौकीनों के लिए अवैध शराब की व्यवस्था कर रखी थी। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है, जहां पर आबकारी महकमे की मुस्तैदी के चलते शराब तस्करों के मंसूबे कामयाब ना हो सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग को अपने विश्वसनीय सूत्र से जानकारी मिली कि शहर के निवारगंज इलाके में अवैध शराब की बिक्री गांधी जयंती के दिन चोरी छुपी की जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मुखबिर के बताए हुए ठिकाने पर दबिश देकर शराब तस्कर को रंगे हाथ अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपी गुड्डा केसरवानी के पास से 73,000 की अवैध अंग्रेजी शराब की जखीरा बरामद हुआ है। आरोपी पर आबकारी पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ के जरिए अवैध शराब की तस्करी से जुड़ी हर संभावित कड़ी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दो अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया जाता है, और इस अवसर पर जो है तो जितने भी शराब के तस्कर या स्मगलर होते हैं वो चोरी छिपे शराब बेचते हैं। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि निमाड़गंज के क्षेत्र में अवैध शराब का कोई जखीरा रखा हुआ है। सूचना पर शाम को दल गठित करके हमारे द्वारा निमाड़गंज नारियल वाली गली में दबिश दी गई है, जहां पर किसी गुड्डा केसरवानी के घर में 84 बोतल अंग्रेजी शराब मिली है, जो कई ब्रांडों के हैं, जिसमें रॉयल स्टेज, ब्लेंडर, स्प्राइट, मैकडॉवल नंबर 1, बैक पाइपर आदि। जब्त मदिरा की कीमत लगभग 73,000। सर, आरोपी जो गिरफ्तार हुआ, हाँ, गुड्डा केशरवानी नाम है उसका, इसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।